सकते हो आप, छोटा सा ब्रिज आ गया और सामने आप देख सकते हो ये नाला बह रहा है, और बरसात के टाइम में ना ये बहुत आ जाता है भाई, एकदम फुल पानी और ऊपर पुल और सामने आसपास में जो है बहुत होम स्टे का बोर्ड, और आप चाहे तो आ सकते हैं यहाँ पे, नंबर ये है। फॉरेनर बहुत आते हैं यहाँ पर, इंडियंस बहुत कम रहते हैं, इंडियन जो है वो गंगा जी के आसपास ही देखना चाह रहे हैं होटल। लोकेशन तो ये ऑसम है भाई, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो नज़ारा यहाँ का। गाइस मैं पहुँच गया हूँ, यहाँ पर है एक द रॉक रिट्रीट जो कि कैफ़े है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने बना रखा है। और अभी चलते हैं जरा अंदर की तरफ, देखते हैं इनका क्या क्या है। और ये तो इनके जूसेस वगैरह का, ये है फ्रेंच बेकरी, एंड कुछ फॉरनर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं आराम से भाई, सिगरेट और कॉफ़ी वॉफी पी रहे हैं। अच्छी चहल पहल है यहाँ, और बहुत बहुत बधाई हो आपको आपकी नई शॉप के लिए। और इस कैफ़े का नाम भी जो है अपने नाम से रखा उन्होंने, और ये है गोपी गो कैफ़े। तो हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का एक और ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज फिर से तपोवन से, और आज एक्सप्लोर करेंगे अपर तपोवन। ये है लोअर तपोवन, और इसके जस्ट अपोजिट में है अपर तपोवन। तो हमने यहाँ तो आपको दिखा दिया है लोअर तपोवन में, आज आपको विजिट करवाएंगे अपर तपोवन। अपर तपोवन में भी काफ़ी होटल्स हैं, और बहुत सारे फॉरनर जो है ना वहाँ पर रहते हैं। अपर तपोवन की एक खासियत है कि उस साइड भी काफ़ी पीसफुल है, और इस साइड जो है लोअर तपोवन में जो है कि वो गंगा जी का व्यू वगैरह अच्छा मिलता है। चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं अपर तपोवन की तरफ। यहाँ का ट्रैफिक आप देख सकते हो, पुलिस वाला कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ ये जो गली जा रही है ये है जा रही भाई अपर तपोवन के लिए। सकते हो यहाँ पर फॉरनर्स वगैरह काफ़ी हैं, बहुत सारे। हेलो हाय। और यहाँ पर देखिए होटल वगैरह कमी नहीं है भाई बहुत, और कुछ इस तरह से है यार ये अपर तपोवन का एरिया। पर आज ना सुबह से ही जो है ना ऋषिकेश का मौसम जो है ना वो गड़बड़ा ही रहा है। ऐसा क्या है, बीच बीच में बारिश हो रही, फिर बादल आ जा, फिर धूप आ जा रही, फिर से जो है ना ठंड बढ़ गई है। तो मौसम का मिजाज आप देख सकते हो भाई, कुछ यूँ है इस तरह से कि दोबारा जो है वो जैकेट डालनी पड़ी मुझे। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे होटल्स तो अगर एक साथ दिखाई दे रहे भाई, फॉरनर्स यहाँ चहलकदमी करते हुए। ये भाई अपर तपोवन का कुछ अंदर नज़ारा कुछ इस तरह से, और यहाँ पर भी ना सीजन में काफ़ी ज़्यादा रूम्स वगैरह बुक हो जाता है, लेकिन आप जब भी आओगे ना रूम्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ होम स्टे भी हैं, कुछ होटल्स वगैरह भी हैं, और बढ़िया तरीके से लेआउट कर रखे हैं यहाँ पे होटल्स वगैरह। द लिली रिसॉर्ट काफ़ी बड़ा लग रहा है भाई ये, गलियाँ छोटी हैं लेकिन होटल्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, बड़े बड़े भी हैं, तीन मंजिला भी है, दो मंजिला भी है। और ये देखो एमबीटी गेस्ट हाउस, और यहाँ पर ना आपको फॉरनर जो है घूमते हुए मिल जाएंगे कोई ना कोई। और यहाँ देख सकते हो इतने मस्त नज़ारा भाई, कुछ इस तरह से बहुत ही शानदार लग रहा है ये, और बीजेपी का झंडा भी लटक रहा है यहाँ कमल। और एक चीज़ अच्छी है होटल के साथ साथ में ना, ऊपर होटल है, नीचे जो है किराना स्टोर क्या अच्छी तरह से यहाँ पर बना रखा भाई, ब्रू मास्टर कॉफी। देखिए कुछ इस तरह से होम स्टे का बोर्ड, और आप चाहे तो आ सकते हैं यहाँ पे, नंबर ये है। बड़ी गाड़ी आती है ना तो भैया आगे पीछे करना पड़ता है, क्योंकि नहीं ये गली बहुत छोटी है, पर ट्रैफिक का इशू भी है, रोड थोड़ा छोटी है, पर भाई जो है आगे पीछे करनी पड़ रही है। और कुछ देख सकते हो आप यहाँ पे किराने की दुकान वगैरह है, हर चीज़ अवेलेबल मिल जाता है यहाँ पे। एक बिल्डिंग ये है सामने, विन्यासा योगशाला, ये है फ्रेंच बेकरी,
एंड कुछ फॉरनर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं आराम से भाई सिगरेट सिगरेट और कॉफी वॉफी पी रहे हैं। अच्छी चहल पहल है यहाँ पे, बिल्कुल बढ़िया। कैफे 360 है, काफी नाम सुना है इसका। मुझे लग रहा हॉस्टल टाइप ही है, क्योंकि मेरा दोस्त है मनोज, उसने कहा था कि एक बार यहाँ का विजिट करना। और लंबी चौड़ी बिल्डिंग में है यार ये भी, कुछ मस्त लग रहा है भाई, एकदम ग्लास ग्लास लगा के बढ़िया एकदम। मैं खड़ा हूँ अभी कैफे रहा के पास और आप देख सकते हो उन्होंने अपना मेन्यू वगैरह यहीं पे लगा रखा है। और इसके जो लुक बना रखा है उन्होंने विंडो वाला, वो बिल्कुल एकदम कांच की तरह ट्रांसपेरेंट है यार, देख सकते हो। और इनका जो सीटिंग है वो बहुत ही ऑसम लग रहा है, बिल्कुल जो इन्होंने चेयर्स वगैरह या सोफा वगैरह बनाया ना वो ग्राउंड से बिल्कुल नीचे ही है, बहुत ही बढ़िया यार, अच्छा लग रहा है। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है यार, आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने ये क्लीन इजी करके एक लॉन्ड्री है। और मुझे लग रहा है यहाँ पर जितने भी लोग आते होंगे ना वो यहीं पे अपना कपड़े वगैरह धुलाते होंगे या होटल्स वगैरह जो भी अपना वो कराते होंगे। काफ़ी बड़ा एरिया में इन्होंने जो है शेल्टर से बना रखा है। ये देखिए कुछ इस तरह से काम होता है यहाँ, लॉन्ड्री वगैरह बहुत सारी मशीनें लगा रखी भाई इन्होंने, ये भी अच्छा सिस्टम है। जैसे है कृष्णा कुंज होम स्टे और ये बहुत ही बढ़िया जगह में आप देख सकते हो, इसके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग आप देख सकते हो ये सामने तैयार हो रही है। इसका जो रूप तैयार हो रहा है ना भाई कुछ इस तरह से ही हो रहा है, ये होटल की तरह ही हो रहा है। और ये एरिया आप देख सकते हो यार कुछ इस तरह से है, मंजिल हॉस्टल। स्कूटी और ये जो है रेंट पे मिलता है और कुछ इस तरह से इनका नंबर वगैरह है भाई नीचे, मस्त लग रहा है। एंटीक पीस वगैरह भाई, ज्वेलरी व्लरी अच्छे रखे हुए इन्होंने। गाइज ये है किंग कैफे जो कि अपर तपोवन में ही है और बहुत ही अच्छा लेआउट है इनका, आप देख सकते हो पूरा ओपन है। यहाँ पर तकरीबन जो भी हमें रेस्टोरेंट वगैरह मिल रहे हैं ना या कैफे मिल रहे हैं वो ओपन ही मिल रहे हैं, आप देख सकते हो रात को बहुत अच्छा लगता होगा ये, बहुत ही बढ़िया अच्छा सिस्टमेटिक बना रखा है। फ्री टाइप की बुक्स वगैरह है, हेलो ये गेट पे स्वागत करने के लिए खड़ी है क्या? अपर तपोवन में जाओ चाहे लोअर तपोवन में जाओ कैट आपको मिल ही जाएगी, देखो आज भी मिल गई फिर से और मस्त बैठी हुई। हेलो 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 कम ऑन क्या नाम है आंटी इसका? नाम नहीं रखा आपने? आप कहीं रहती है तो अंदर घुस गई? अच्छा 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 अच्छा। और ये भी कुछ इस तरह से यहाँ पर बुक्स वगैरह बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर आपने बुक्स वगैरह सिर्फ स्पिरिचुअली हैं सर की वैसे भी हैं? सभी है, सभी हर टाइप की है, बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हो यार यहाँ पर ना हरा भरा भी है भाई, एकदम खेत है और पीछे आप देख सकते हो ये पहाड़ियाँ, मस्त जंगल जंगल से लग रहा है। और सामने आप देख सकते हो आदि योगी पीठ का जो है टीचर ट्रेनिंग स्कूल है। तो चलते हैं दोस्तों आगे, बड़े अट्रैक्टिव टाइप के यहाँ पर जो है ना अपार्टमेंट्स वगैरह हैं भाई, और मैंने कहा ना जनरल स्टोर से यहाँ पर अवेलेबल है ही हैं। और इस एरिया में ना मुझे सबसे ज़्यादा जो है योग के स्कूल्स वगैरह मिले, योग के आश्रम मिले जो कि योगा की टीचर ट्रेनिंग देते हैं। अरे भाई तू रहने दे यार, मारेगा क्या? और ये भाई, और यहाँ पर ना लावारिस पशु भी बहुत घूम रहा है भाई, मारने के लिए आ रहा है। लकी होम स्टे, रूम अवेलेबल, वाईफाई अवेलेबल, सारा ही है भाई यहाँ पर, बहुत तगड़ी बिल्डिंग है यार ये। भाई आप देख सकते हो ये छोटी छोटी गलियां हैं, यहाँ से भी लोग जाते हैं और यहाँ रहने के लिए आते हैं। अक्षत होम स्टे बहुत ही बढ़िया लग रहा है एकदम मस्त। और साथ में आप देख सकते हो नटराज टैटो, और ये है भाई इनका कुछ नंबर्स वगैरह नीचे, आप चाहे तो नोट कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया लग रहा है लोकेशन यार, बट गली जो है ना बहुत नैरो है, एक ही गाड़ी आ सकती है यहाँ पे। बट आप पीछे देख सकते हो स्टेइंग का तो बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ अभी काम चल रहा है हर जगह जो है, आप देख सकते हो काम कोम बढ़िया चल रहे हैं। और यार आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ये केक्स एंड पाई वगैरह है, काफ़ी आइटम्स हैं यहाँ पर जो बेकरी वाले हैं और फॉरनर जो है इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। ये वाला अरसा लग रहा है यार, खाते हैं क्या फॉरनर? अच्छा खाते हैं, बहुत बढ़िया। गढ़वाल का ट्रेडिशनल एक डिश होती है, आई मीन स्वीट होती है अरसा, वो भी इन्होंने लगा कर रखा हुआ है।
क्योंकि मैं गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ तो अच्छा लग रहा है इस बेकरी में देख के, और अच्छा लग रहा है यहाँ बहुत बड़ी। तो फाइनल गाइस मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पर, है एक द रॉक रिट्रीट जो कि कैफ़े है और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने बना रखा है, ये लगा रखा है इन्होंने क्या क्या है इनके पास में। और हमारे अच्छा दाई जी प्रणाम, नमस्ते, कैसे? बढ़िया। और शेफ है क्या? हाँ ये शेफ है। शेफ है? अरे आपका तो मेन रोल होता है, बहुत बढ़िया। और ये देखिए यार यहाँ पर पूल वगैरह भी है, स्नूकर वगैरह, और भाई लोग बड़े जम के खेल रहे हैं। भाई भाई कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है? दोनों जीत रहे हो, दोनों हार रहे हो। और यार ये सामने देख सकते हो आप, कुछ इस तरह से इन्होंने रॉक पे ना ये गणेश जी की मूर्ति बना रखी है, बहुत ही मस्त लग रही है एकदम। और ये बनाने वाले को सलाम है भाई, जो भी है। सिटिंग का आप देख सकते हो इनका, यहाँ पर सिटिंग का बहुत अच्छा लग रहा है, ये नीचे लगा रखा है इन्होंने। और भाई यहाँ पर देख सकते हो आप, छोटा सा ब्रिज आ गया और सामने आप देख सकते हो ये नाला बह रहा है, और बरसात के टाइम में ना ये बहुत आ जाता है भाई, एकदम फुल मस्त लग रहा है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हो मस्त एकदम फर्स्ट क्लास, इसका अपना एक अलग ही वेव्स आ रही है यहाँ पे, नीचे पानी और ऊपर पुल, और सामने आसपास में जो है बहुत सारी शॉप्स वगैरह। तो भाई एक रोड जा रही है ऊपर और एक रोड जा रही है नीचे, ये तो जाएगी ऊपर कैंप कुम के लिए और ये जाएगी नीचे पवन के लिए। एक चीज है कि यहाँ पर ना फॉरनर बहुत आते हैं, यहाँ पर इंडियंस बहुत कम रहते हैं, इंडियन जो है वो गंगा जी के आसपास ही देखना चाह रहे हैं होटल वगैरह। लेकिन आप चाहे तो यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ भी बड़ा अच्छा पीसफुल एरिया है और रेट भी कुछ ज़्यादा नहीं होंगे यार, ठीक ही ठीक होंगे, बढ़िया सा एकदम। लोकेशन तो ये ऑसम है भाई, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो नज़ारा यहाँ का। यहाँ आप देख सकते हो भाई कुछ इस तरह से इन्होंने ऐड ही ऐड लगा रखे भाई, हर योगा स्कूल के, होम स्टे के, सब जगह के। ये आप देख सकते हो यार, ये है पुराना घर कुछ इस टाइप का, और ये बिल्कुल ही अब झर्झर हालत में है, ऊपर से तो बिल्कुल टूट रहा है ये। तो जो पुराने लोग होंगे ना, जो मतलब पुराने रहोगे, उन्होंने अपना यहाँ सेटलमेंट किया होगा पहले, और अब वो घर बिल्कुल टूटने के कगार पे आ रखा भाई, उसका सरिया उरिया सब कुछ दिखाई दे रहा है। हेलो, हाउ आर यू? तो ये है भाई गोभी भैया, और बहुत बहुत बधाई हो आपको आपकी नई शॉप के लिए। बीन्स कॉफी इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो भैया इस मशीन को बोलते क्या वैसे? कॉफी मशीन ही है ये? कॉफी मशीन, इटालियन कॉफी मशीन। अच्छा, तो मतलब इसका सिस्टम क्या क्या, थोड़ा बताएंगे? जैसे मतलब ये जो है ये भी आपने सर, ये तो ग्राइंडर है। अच्छा अच्छा, ग्राइंड होके कॉफी इसमें जाती है। हाँ। बस इसे छन के ये जो फिल्टर कॉफी जो निकलती है ये इससे निकलती है, इटालियन कॉफी, एक्सप्रेसो, कैपेचिनो, मोका लाटे। अच्छा, कैफे का नाम भी जो है अपने नाम से रखा उन्होंने, और ये है गोपी हो कैफे, सब कुछ है। आप देख दिखा दो मैं आपको, ये देखिए, ये देखिए पीनट बॉल है, ये स्वीट्स वगैरह है, और ये वेगन बनाना केक वगैरह है, सब कुछ है। लेटेस्ट ही खुली है ये दुकान वगैरह, एक दो ही दिन हुए हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने सिटिंग का भी बहुत अच्छा बना रखा है। इस तरह से इनका एम्बियंस वगैरह है आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया। आप भी अगर अपर तपोवन में आते हैं ना तो पक्का विजिट कीजिए गोपी हो कॉफी कैफे में, और बहुत ही बढ़िया इनका यूनिक तरीका अपना कॉफी को भी बनाने का। ओह नाइस डिजाइन, एक्सपर्ट है आप कॉफी बनाने में? ट्राई कर रहे हैं। नहीं, अच्छा है बहुत बढ़िया। और बिल्कुल सामने आप देख सकते हो कॉफी हाउस के बिल्कुल सामने ग्रीनरी कुछ इस तरह से है भाई, सामने पहाड़ एकदम मस्त, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है। गाइस आए हैं, नई दुकान है तो कॉफी पी के जाएंगे, और भैया का आज जो है कि दूसरा दिन है, तो हमें जो है यहाँ पर पक्का जो है कॉफी वगैरह पीनी चाहिए। सामने आप देख सकते हो एक फॉरनर जो है सामान ले रहा है यहाँ पे। तो गाइज मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया कॉफी, और ये है ब्राउनी, तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कॉफी का तो भाई लाजवाब लग रही मस्त एकदम। और साथ में इन्होंने दिए ये हनी, इन्होंने पूछा था कि हनी डालनी है कि शुगर डालनी है। भैया
कॉफ़ी का तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ रहा है भाई एकदम ऑसम। मैंने ना इसमें हनी मिलाई तो हनी मिला के बहुत ही अच्छी लग रही है, ऑसम भाई मज़ा आ रहा है बिल्कुल यार। और ऊपर से जो इन्होंने ना इसमें सॉस वगैरह डाला चॉकलेट सॉस, ये तो और भी अच्छा इसमें जायका लेके आ रहा है। तो गाइस अच्छा लगा यार भाई की कॉफ़ी पी के, और बढ़िया सेटअप कर रखा उन्होंने नया है। आप भी कभी आए अपर तपोवन तो पक्का उनके दुकान में विजिट कीजिए। ये था कुछ अपर तपोवन का एरिया और अपर तपोवन का वीडियो, और चलते हैं आज का ब्लॉग यहीं करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।